नमस्कार, मैं रितिका तिवारी। जैसा कि 1 फरवरी को बजट अनाउंस हो चुका है, इसमें 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही युवाओं, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। तो चलिए लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है इन योजनाओं के बारे में। मेरा नाम शिखा विश्वकर्मा है और जैसा कि आज जो बजट पेश हुआ है 2024 और 25 सत्र का, तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं जो सशक्त भारत का एक सपना देखा गया था, उसको ध्यान में रखते हुए आज का बजट पेश किया गया है। और कहीं ना कहीं ये काम युवाओं के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और ख़ास करके महिलाओं के लिए, जो महिलाएँ हैं उनके लिए इतना सही एक फैसला लिया गया है। लखपति दीदियों का जो 1 करोड़ का था, उसको बढ़ाकर 2 से 3 करोड़ का मतलब टारगेट रखा गया है। और कहीं ना कहीं जो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में ज़्यादा फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन लगाए जाएंगे 9 से 14 साल की लड़कियों को। और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कहीं ना कहीं एक जो 2047 में विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं, सपना एक लक्ष्य बना हुआ है, उसको साकार करने के लिए अगर इसी कड़ी में चलते रहे तो शायद बहुत वो दिन दूर नहीं कि जब महिलाएं कहीं ना कहीं सशक्त होकर इस काम में आगे बढ़ेंगी और अपना योगदान भी इक्वली देंगी। नमस्कार, आपका नाम? दीप्ति सिंह। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं एक स्टूडेंट हूँ। जी, तो जैसा अभी आज बजट अनाउंस हुआ है, तो इसमें महिलाओं के लिए ऐसा बजट आया है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट बताया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगी? जो जैसे कि बजट में आया है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट सेट हो रहा है, तो अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। जैसे पहले भी काफ़ी ऐसी स्कीम्स आई, तो अभी तक मतलब मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं आया। बट हाँ, काफ़ी जगहों पर ऐसा हुआ भी है, सुना है मैंने, थोड़ा बहुत देखा है कि हाँ काफ़ी ग्रोथ भी हुई है, औरतों को काफ़ी लाभ भी मिले हैं। लेकिन हम अगर बात करें कि अवेयरनेस की, तो अभी उन्हें एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी पीछे हैं वो। अभी वो काफ़ी जगहों पर अवेयर नहीं है। एजुकेशन में बात करें तो अगर मैं अपनी ही क्लास की बात करूं, तो मेरी क्लास में अभी बहुत कम लड़कियां हैं और लड़के ज़्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग थोड़ा पढ़ लिख भी जाते हैं, उनमें भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो हमें ज़रूरी ये होगा कि जो अगर हमारा बजट आ रहा है, हमारा बजट आ चुका है, तो उसमें जो औरतें हैं उन पर इतना ज़्यादा फोकस करा जाए एजुकेशन को लेकर, ताकि वो अपने स्टेप्स, अपने राइट्स, अपने अधिकार को खुद जान सकें, खुद अपने लिए अच्छे स्टेप्स उठा सकें। जी, तो जैसा आपने बताया कि आपकी क्लास में लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं, तो क्या आपको देखने को मतलब लड़कियों में बढ़ावा देखने को मिली है या नहीं मिली है पहले की अपेक्षा? देखिए, जो जानकार हैं, जो ये जान लेते हैं कि अच्छा हमारे लिए ये कोर्स अच्छा है, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, हम ये हमारी लाइफ इससे इम्प्रूव हो जाएगी, तो वो आते हैं, वो कोर्स में इनरोलमेंट करते हैं। लेकिन जिनको जानकारी ही नहीं है कि ग्राफिक्स का क्या महत्व है, एनिमेशन का क्या महत्व है, तो वो नहीं है। तो मेरी क्लास में तो बहुत इतना ज़्यादा नंबर नहीं है, अभी तो कम है। मैं आशा है कि आगे वो अवेयर हों और बढ़े आगे, तो आगे की देखेंगे। बजट आज अनाउंस हो चुका है, इसमें आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं? एज बीइंग अ स्टूडेंट, मेरी सबसे बड़ी अपेक्षा तो ये है कि जो एजुकेशन पे टैक्स लगा हुआ है 18% टैक्स, तो वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए अभी बजट में बात हुई है कि मेडिकल कॉलेजेस नए और खुलेंगे, तो उनके टैक्स मतलब टैक्सेस थोड़े कम होंगे, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स रहते हैं मेडिकल, तो उसमें फाइनेंशियल इश्यूज उनके लिए बहुत आते हैं, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए तो बहुत आते हैं। क्योंकि जैसे कि हम अगर बात करें, जो अमीर होते हैं तो वो तो आराम से निकल जाते हैं, और जो गरीब होते हैं वो तो सोच ही नहीं पाते इस बारे में, तो बचा कौन, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास इंसान के लिए फाइनेंशियल इशूज़ आते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो चाइना या रशिया चले जाते, क्योंकि वहाँ पर हमको मेडिकल स्टडीज़ थोड़ी कम में पड़ जाएंगी। तो इस पर मैं चाहूँगी कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी हेल्प मिले इस बजट के आने से, उनको काफ़ी लाभ हो, और भी स्टूडेंट्स को लाभ हो, एक स्पेशली एक मिडिल क्लास इंसान को फाइनेंशियली लाभ होना चाहिए। बजट उसमें ऐसा कहा गया है कि जो लोग रेंट पे रह रहे हैं या फिर जिनके पास आवास नहीं है रहने के लिए,
उनको सरकार जल्द ही आवास प्रदान करेगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसा कि सुना है कि अभी अगले 5 सालों में 2 करोड़ लोगों को आवास मतलब बनाया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है 2 करोड़ लोगों का, और पहले 3 करोड़ लोगों के बन चुके हैं, तो हाँ बहुत सारे लोगों के बने भी हैं। तो अभी जो 2 करोड़ लोगों के बनेंगे, तो ऐसा हमने देखा है कि वो घर तो बनवा रहे हैं लेकिन लोगों के पास घर बनवाने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, वो कहाँ अपना घर बनवाएंगे। और दूसरी बात, अभी भी हमने बहुत सारी जगह देखा है या फिर बहुत सारे लोग ऐसे झोपड़ी या टपरी डाल के ही रहते हैं, तो उन लोगों के लिए कैसे और कहाँ कब घर मिल रहा है? जी, जैसे अभी जो वित्त मंत्री हैं अपनी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आज अनाउंस किया है बजट, उसमें उन्होंने एक और चीज, बहुत मुख्य चीज महिलाओं के लिए अनाउंस की है, जो है 3 करोड़ महिलाओं को वो लखपति बनाना चाहती हैं आने वाले समय में, इसके बारे में आपके क्या विचार है? हाँ, तो जैसा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, उनने ऐसा कहा है कि महिलाओं के लिए वर्कशॉप्स स्टार्ट की जाएंगी जिनमें उनको बजट और इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन सब के बारे में बताया जाएगा, डिजिटल बैंकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले देखा जाए तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, उसके लिए मतलब महिलाओं को एक्टिव होना चाहिए कि उनको पता चले। जैसे ये चीज़ बजट के बारे में आपको पता होगा, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन बाकी जो हाउसवाइफ्स हैं उनको तो अभी वो इस चीज़ से वाकिफ भी नहीं होंगी कि क्या चल रहा है या कैसा है ये चीज़, मतलब उनको हाँ ठीक है डिजिटल बैंकिंग के बारे में सिखाना और बाकी सारी चीज़ें बैंकिंग से रिलेटेड सिखाना, सेविंग्स के बारे में, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि उनको बताएगा कौन। तो इस चीज़ को लेकर एक स्टेप लेना चाहिए कि वो एक्टिव रहें या फिर उन तक बात पहुँचे आसानी से, जब उनको पता चलेगा तभी वो आगे कदम बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, आपका नाम? लक्ष्मी मांझी। तो जैसे आज बजट पेश हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या, आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है, जो अभी जो बजट आया है उसमें जो लेडीज हैं उनको कुछ रोजगार मिला जाए, जैसे कि वो नौकरी करती हैं तो नए नए और रोजगार बनाने के लिए उनको उस बजट का उपयोग किया जाए। जी, तो जैसे महिलाओं के लिए भी बजट अनाउंस हुआ है जिसमें कहा गया है कि 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, उनको लखपति बनाया जाएगा। अगर महिलाओं को ये बजट मिलता है तो वो फिर आगे नए नए काम करना शुरू करेंगी, जैसे कि सिलाई करना, कढ़ाई करना, ये वो काम घर से करेंगी, दोनों पत्तल बनाना और अगरबत्ती बनाना, ये सब चीजें को वो आगे बढ़ाएंगे, बनाने में उनको अच्छा लगेगा और उससे 2 पैसे भी कमाएंगी। जी, तो जैसे गरीबों के लिए भी अभी बजट पास हुआ है कि उन्हें आवास दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, इसके बारे में क्या? पास नहीं है उसको भी दिया जाए, मेरा यही कहना है सरकार से कि अगर जो बजट आया वो थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी यूज किया जाए। आपका नाम? जी, मेरा नाम निशु मिश्रा है। तो जैसे आज बजट अनाउंस हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हर साल की तरह तो गया है, लेकिन ज्यादातर वैसे ही रहता है, सिर्फ वादे किए जाते हैं और उसके बाद काम होता नहीं है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। जी, तो जैसे यूथ के लिए भी बजट में बहुत सारी चीजें बताई गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो लगता है कि यूथ के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई सब कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनके लिए बजट में क्या ही दे रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए मशीनें नहीं होती हैं, ना ही मेडिकल वालों के लिए मशीनें होती हैं, और जैसे कि हमारे यहाँ हो गया है तो स्टूडियो का हाल जो है वो क्या ही बताएं हम, तो ऐसी सब चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाए तो यूथ के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो सरकार जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही है, यूथ को नई नई स्किल्स, जो वो स्किल्स सीखना चाहते हैं उनके ऊपर भी काम कर रही है, क्या इसका लाभ यूथ को प्राप्त हो रहा है? हाँ, अगर काम करेगी तो लाभ तो ज़रूर ही प्राप्त होगा, लेकिन वादे ही बस रह जाते हैं हर साल की तरह, इस बार भी आया है फिर से वादे किए जाएंगे, फिर से वही होगा,